नमस्कार, राम राम। मैं डी हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया जांगड़ा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रॉकिंग हरियाणा में। रॉकिंग हरियाणा में आज आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की गायक शीनम कैथोलिक से। शीनम, राम राम। राम राम, बहुत बहुत स्वागत आप एनडी हरियाणा में आई। शीनम, पहला सवाल जी, हरियाणा के और गायकों के नाम देखते हैं, उनके नाम के पीछे सरनेम होता है, हरियाणवी होता है, तो आपके नाम के पीछे कैथोलिक, ये जानना चाहूंगी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन हूँ, रोमन कैथोलिक, तो इसलिए शीनम तो मेरा नाम है ही, तो कैथोलिक क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। हरियाणवी मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज सभी ने लगाया है और हम हरियाणा को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, अदर स्टेट्स में, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, तो अपने काम से करेंगे। हमारा काम अच्छा होगा तो हमारा नाम होगा। तो शीनम, आज आपकी हरियाणा में पहचान है एक गायिका के तौर पर, जी, जी। तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? सफर शुरू हुआ जब मैं 4-5 साल की थी तब से, और आज मैं 24 साल की हूँ। अभी 2 अप्रैल को मैं 24 साल की हो गई थी, तो 4-5 साल से ही मैं तब से गाती आ रही हूँ। आज देख लीजिए कितना समय हो गया है। 4 साल की छोटी उम्र में आपने गाना शुरू किया। जी, जी। गाना किस विधा में, शास्त्रीय विधा, पॉप, फोक, किस तरीके से? एक्चुअली मेरी मम्मा भी सिंगर है, तो मम्मी ने जब सिखाया हारमोनियम पे, शास्त्रीय संगीत से ही मैंने स्टार्टिंग की इस चीज़ की। राग वगैरह सीखे, शास्त्रीय संगीत सीखा, बहुत बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज भी मैं खुद को कुछ नहीं मानती हूँ। अभी तक तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे पहुंचना है। यानी कि संगीत विरासत में मिला है आपको? हाँ जी, ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में सभी सिंगर, मम्मा सिंगर, पापा सिंगर, दादी सिंगर, दादी के ब्रदर सिंगर, सभी मोस्टली सभी सिंगर रहे हैं। तो फैमिली में से सिर्फ शीनम ही गायक बनी? नहीं, गायक तो वो थे ही, क्योंकि दादी जी क्लासिकल में बहुत अच्छी महारत थी दादी जी को, और मेरे नाना जी भी सिंगर थे, वो फौज में थे, फौजी थे, बट वो सिंगिंग का शौक रखते थे, बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मैंने हासिल किया। और फिर एल्बम्स में कब शुरुआत हुई? एल्बम्स में तो बचपन से ही शुरुआत हो गई थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बिकॉज बहुत समय हो गया, मतलब मेरे ख्याल से 8-9 साल की होंगी जब एल्बम्स में स्टार्ट किया, और उससे पहले भी मैंने एक बच्चे की आवाज़ में काफ़ी मैंने गाने गाए हैं जब मैं बच्ची थी तब, क्योंकि बच्चों की उस टाइम कोई था नहीं कि बच्चा को किससे गवाए, अगर रिक्वायरमेंट होती थी तो कौन गाएगा, शीनम गाएगी। जी। और स्कूल में, कॉलेजेस में काफ़ी कुछ पार्टिसिपेट किया होगा? जी बिल्कुल किया है, वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं 4 साल की थी तब से मैं स्कूल में लाइव, जैसे सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, तब बचपन से ही स्टार्ट किया था। और अब जैसे गानों में देखते हैं आप, गानों में गाती भी हैं, गानों में आपको देखा भी जा सकता है, हाँ, तो पहले आपको ऐसा नहीं था, यानी कि सीडी डीवीडीज का जमाना था, हाँ, तो उस वक्त गानों में ये था कि अगर गायक थे तो वो पीछे, मतलब बैकग्राउंड आवाज़ ही उनकी आया करती। बिल्कुल सोनिया जी, एक्चुअली क्या है, जब मेरा गाना आया था, मेरा डोल कुएं में लट कैसे है, तब मेरे ख्याल से मैं 12-13 साल की होंगी, हाँ 12-1 साल की थी, तो मैं बच्ची थी, मुझे उस वक्त हरियाणवी इतनी आती भी नहीं थी, और उसमें था कि मेरा डोल कुएं में लट कैसे, मेरी पूरी पूरी मट कैसे, मुझे इन शब्दों के मीनिंग नहीं पता थे कि लटके, मटके, फटके क्या होता है, रो रो के मैंने गाना गाया। एक्चुअली 2-3 बार मैंने डब किया, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझसे नहीं गाया जाता, मैं नहीं गा पाऊंगी, तो बट फिर भी मम्मा ने डांट के गवाया, नहीं गाना है, तो उस टाइम देखा जाए तो कि मुझे हरियाणवी आती भी नहीं थी, तब से स्टार्ट किया, एंड उसमें मैंने वीडियो के लिए मुझे बोला भी गया कि बेटा आपको सिंगर के तौर पे पार्ट होता है वो आपको करना है वीडियो में, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था कि बच्चे को क्या पता कि उससे क्या बेनिफिट होता है, उस गाने में मैंने वीडियो में नहीं आई, बट उसके बाद धीरे 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 जैसे बना, वीडियोज भी की हैं और आज देख रहे हैं आप सब। बिल्कुल। शीनम, पहला गाना आपको याद हो तो, जब आप पहला वीडियो में आई थी? एग्जैक्ट, क्योंकि गाने इतने गा दिए हैं, जैसे सॉलिड बॉडी में भी वीडियो में आई हूँ, हमारी गर्ल में एक पटोला, उसने भी वीडियो किया है, तो काफ़ी वीडियोस किए हैं, बट वो हिट नहीं हुए, इसलिए माइंड में भी, लोगों के माइंड में भी नहीं और मेरे माइंड में भी नहीं। हाँ जी, कोई नहीं। और जब आप वीडियो में खुद को देखते हैं, हाँ, तो वो कैसा महसूस होता है उस वक्त आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है, बट मैं वीडियो में खुद को देख के कभी खुश नहीं होती। क्यों?
क्योंकि मैं कभी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हुई, कभी संतुष्ट नहीं हुई। बाद में कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे सिंगिंग हो चाहे वीडियो में देखूं, ये लगता है कि नहीं कुछ और हम डिफरेंट कर सकते थे। तो बाद में हमेशा मलाल रहता है कि यहाँ ये चीज़ नहीं की, वहाँ वो चीज़ नहीं की। सिंगिंग को ही लेके देख लो तो कई गाने ऐसे हैं, लाइक सॉलिड बॉडी हमारी गाल में एक पटोला, तो इसमें भी काफ़ी जगह ऐसी है, कुछ एक लाइन ऐसी है वहाँ पे मैं अलग मुर्की लगा सकती। बाद में ये चीज़ें कमी फील होती है जब सुनते हैं हम डीजे पे गाने। शीनम, शास्त्रीय संगीत आपने सीखा, फिर उसके बाद आज हम आपको देखते हैं, आप पॉप गानों में भी होती हैं, जी फोक गाने भी आप गा रही जी होती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कितना, दोनों के बीच में कितना अंतर मानती हैं आप? अंतर ज़्यादा नहीं है, बस फीलिंग का अंतर है। सुर तो 7 सुर ही होते हैं, उन्हीं से हम राग गाते हैं, उन्हीं से पॉप गाने बनते हैं, उन्हीं से सारे गाने बनते हैं। बट एक फीलिंग होती है, फीलिंग का ही फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता। मैं तो बस चाहे मुझे कोई भी गाना मिले, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग हो, हिंदी सॉन्ग हो, इंग्लिश हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, मराठी, कोई भी हो, मैं जस्ट गाना देखती हूँ, कंपोजिशन सुनती हूँ एंड बस एक बार फील करती हूँ कि किस फील से गाना है एंड देन चक दे फटे। तो आपने बताया कि पारिवारिक सहयोग आपको मिला, हाँ जी तो और बाहरी जो कलाकारी दुनिया है, तो उससे किसी भी तरीके की फिर दिक्कतें मिली आपको आगे बढ़ने में? देखिए, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती इस पे, बट देखिए कंपटीशन होता है हर फील्ड में, होता है इस फील्ड में तो कुछ ज़्यादा ही है कंपटीशन। और कोई नहीं चाहता कि भी कोई बंदा हमसे आगे बढ़े। देखिए ये मैं माफ़ी चाहूँगी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन हर चीज़ में हर इंसान ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, है ना। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ और ऊपर वाला मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देगा। और पूछना चाहूंगी कि शीनम, आपने एल्बम से शुरुआत की, जी फिर आगे आपके गाने भी आए, और अब भी आपको देख ही रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे हैं, जी तो जी आप स्टेज शो भी करती हैं? स्टेज शो करते हैं बट मैम एक लिमिट होती है उसकी, बिकॉज वैसे तो मैं इस टॉपिक इस सवाल पे मैं कुछ कहना उचित नहीं समझ रही, लेकिन करते हैं अच्छे लेवल को। ये को देखिए हर चीज़ का एक लेवल होता है, हर चीज़ का, क्योंकि कुछ एक जैसे देखा जाए तो जैसे हरियाणा में आजकल शो हो रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। बुरा हम खैर किसी को कह नहीं सकते, लेकिन कुछ देखा जाए तो पब्लिक कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम जाएँ कि ना जाएँ। जी बिल्कुल। और जैसे हम हरियाणा की फीमेल सिंगर्स को देखते हैं, उनके स्टेज शो देखते हैं, वैसे तो बहुत ही कम ऐसी हरियाणा की फीमेल सिंगर हैं जो स्टेज शो करती हैं। रागनियों की बात अलग हो गई और नृत्य स्टेज शो की बात अलग हुई हो गई, पर यहाँ पे सिर्फ गायकी के स्टेज शो की बात हो रही है, तो जी उनका अंदाज थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, कि जिसको हम ये मान सकते हैं कि पॉप होना, मॉडर्न होना एक अच्छी बात है, पर शायद उस तरीके से वो उस मॉडर्निटी को उतना परिभाषित नहीं कर पाते, कुछ थोड़ा सा काम लिमिट से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। जो स्टेज शो होते हैं और वो कुछ वही सिंगर जागरण भी करते हैं, यही बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो वैसा ही प्रदर्शन जागरण में करते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से आप यही मुझसे कहना चाह रही थी। दरअसल ऐसा है सब अपनी जगह सही करते हैं और मैंने तो खैर मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन आजकल हरियाणा में यही चल रहा है कि ढूंगे मारने, न्यू करना न्यू करना, तो मतलब आजकल पब्लिक भी यही सुन के खुश है, तो आर्टिस्ट भी क्या करे, आजकल का बल्कि माहौल ऐसा हो गया है। जैसे हम किसी भी हमारे हरियाणा की गायिका के स्टेज शो देखते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, एक दो के ही हम देखते मिलेंगे, जैसे आपके भी स्टेज शो हम लोगों ने देखे हैं, तो वो करीबन सूट सलवार में होंगे, हाँ जी तो सपना चौधरी के हम भी स्टेज शो देखते हैं, वो भी सूट सलवार में, बात एक्सप्रेशंस की होती है, बात आपके भाव भंगिमाओं की होती है, जी और जी अगर हम वेस्टर्न तरीके से भी कुछ पहनते हैं, कुछ मॉडर्न तरीके से कुछ भी पहनते हैं, तो शायद उसकी लिमिट भी कई बार लिमिट एक क्रॉस होती है, और जब वही लिमिट जब क्रॉस होती है, तो वो हम जागरणों में देखते हैं, वही गायकी का अंदाज, चलो वो उसकी जगह गानों में हम माता का नाम ले लेते हैं, भोले शंकर का नाम ले लेते हैं, पर अंदाज तो वही है ना, वही चीज़ें हम कर रहे हैं और वही चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हम इस समाज को एक दो तरीके से देख रहे होते हैं उस वक्त जी के, स्टेज से लेकर जागरण तक, क्या वो स्टेज की लिमिट को उधर जागरण तक परिभाषित कर रहे हैं, और क्या वही चीज़ें जागरण में हो सकती हैं, क्या संभावना है उस चीज़ की, वहाँ पे हम धार्मिक भी बन रहे हैं, मॉडर्न भी बन रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर हम बात संस्कृति की भी करते हैं,
तो शीनम, आपने क्या कभी इस तरीके से और भी महिलाओं को या फिर गायिकाओं को इस तरीके से कभी देखा और उनके बारे में बुरे कमेंट्स आते हों? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी हमारे हरियाणा के दर्शकों से कि और जितने भी कलाकार हैं, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी कलाकारों से। लेकिन देखा है मैंने बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, जागरण में भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, और क्योंकि वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो सिंगर होता है वो जागरण में भी वैसा ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं जैसा वो स्टेज शो पे करते हैं, तो इस वजह से गलत कमेंट्स आते हैं। और मैं भी स्टेज शो की हैं, जैसे कि आपने बताया, आपने देखे हैं, एक जो सिंगर होता है, जो गायक होता है, उसकी एक लिमिट होती है नाचने की, और वो एक लिमिट मैंने हमेशा अपनी बना के रखी, एक दायरा मैंने अपना हमेशा बना के रखा है, कभी मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, टच वुड, कभी, खैर गलती तो इंसान से ही होती है, कभी जाने अनजाने शायद गलती हुई हो, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं एक अपनी लिमिट में रहूं, कि मैं एक सिंगर हूं, मैं डांसर नहीं हूं, मैं कहीं भी जाती हूं, चाहे जागरण हो चाहे स्टेज शो हो, मैं हमेशा माइक में यही बोलती हूं सभी पब्लिक को कि देखिए, एक सिंगर के तौर पे जितना नाचना होता है उतना मैं झूम के एंटरटेनमेंट हम करेंगे आपकी, हम परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्म करेंगे, लेकिन आई एम नॉट डांसर, मैं डांसर नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे उस तरीके से ना देखें। तो क्या पब्लिक डिमांड भी होती है उस वक्त के, मैडम जी नाचेंगी, मैडम जी न्यू करेंगी? बिल्कुल होती है जी, मैडम जी न्यू करो, न्यू करो, अरे मैडम जी यो गाना सुना दो, मैडम जी हम, मतलब काफी चीजें होती हैं। बट देखिए, मैंने आज तक मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा यही अपना, जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, चाहे जागरण हो चाहे स्टेज शो कुछ भी हो, जब भी मैं स्टेज को सलाम करके हम जाते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, माँ सरस्वती को याद करके, बस मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि पब्लिक के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना, जैसे हम चलाएंगे वैसे पब्लिक चलेगी, बिल्कुल क्योंकि कलाकार के हाथ में होता है माहौल बनाना। बिल्कुल अगर हम शुरू में ही ऐसा अश्लील कुछ बातें कहेंगे या अभद्र कुछ भी करेंगे तो वैसा ही पब्लिक फिर एंड तक बिल्कुल ओपन हो जाता है सब कुछ, तो हमारे हाथ में होता है कि हम कार्यक्रम को कैसे चलाना शीनम, हरियाणा के कोई आपके पसंदीदा गायक रहे हों? है। और काफी सभी अच्छे हैं, काफी नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, और जैसे पुराने सिंगर्स भी, रागनी सिंगर्स भी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, तो मुझे तो सभी अच्छे लगते सभी हैं, अच्छे लगते मुझे हैं। तो सभी इसी अच्छे। स्माइल के साथ आप हमेशा रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, कभी भी चाहे कहीं भी आप देखें, लाइव देखें, फेसबुक पे मुझे कहीं भी देखें, तो मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, और काफ़ी लोग कहते हैं मैम आपकी सेहत का राज क्या है, आपकी सेहत का राज यही है कि आप हमेशा खुश रहती हैं। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब एक लड़की इस कलाकारी क्षेत्र में कदम रखती है, वो एक गायिका के तौर पे लगा लीजिए, एक मॉडल के तौर पे लगा लीजिए, अभिनेत्री के तौर पे लगा जी जी लीजिए, जी जी तो बहुत तरीके की अभद्र टिप्पणियां होती हैं उन पे। वो बेशक अपने आप को कितना ही सभ्य तरीके से उन वीडियोस में, गानों में प्रदर्शित कर रही हो, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा होता है, तो क्या कारण मानते हैं यहाँ पे? ये तो ये नहीं है कि हरियाणा में होता है, आप यूपी में देखें, राजस्थान में देखें, पंजाब में देखें, कहीं भी देखें, ये टिप्पणियाँ लड़कियों पे होती ही आई हैं और ये बहुत गलत है। हम चाहे अब जैसे कि मैं हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मेरे लिए भी लोग ऐसी बातें बोलते हैं, सभी के लिए बोलते हैं, और ये मैं समाज को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए प्लीज़ आप लड़कियों को सपोर्ट करें, लड़कियाँ घर की शान हैं, मान हैं, इज्जत हैं, और आप देखिए लड़की लड़के से कम नहीं है, देखा जाए तो आज चांद पर लड़कियां पहुंच गई हैं, तो अगर आप बेटी को सपोर्ट करोगे तो बेटी भी आपका नाम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। तो शीनम, अब मैं चाहूंगी कि आप शास्त्रीय संगीत आपने जो सीखा है उसी विधा का एक गाना गुनगुना दीजिए। उसी विधा का, बट मैं सोच रही थी कि मैं कोई हरियाणवी गाना सुनाऊं, बिल्कुल, बट हरियाणवी भी सुनेंगे, पहले शास्त्रीय सुनना चाहेंगे। हिंदी सॉन्ग सुना देती हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है? हो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पे अरे, जिया जाए ना जाए ना
पिया रे नोर लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, हाँ पिया रे। बहुत खूब शीनम, आपको एक्टिंग का भी शौक है? हाँ जी है। दिखता है वो आपकी गायकी के अंदाज से भी दिखता है आपको, तब हम वीडियो में देखते हैं तब भी दिखता है। तो कभी आपने ट्राई किया आप हरियाणा से बाहर जाकर गाएं? अगर ऐसी रूहानी आवाज अगर किसी और मंच पे होती, कहीं और मतलब दूसरी इंडस्ट्री में होती, हाँ जी बिल्कुल, तो शायद मौका और भी बड़ा मिल सकता था। जी वो एक सरप्राइज है हमारे हरियाणा के लिए, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, सबके साथ से सबके सहयोग से ही इंसान आगे जाता है। शीनम, हर गायक की हर कलाकार की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। हाँ जी। तो जब हम आपको वीडियो में देखते हैं, आपके गाने सुनते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं, तो वो पर्सनैलिटी सारी हम देख सकते हैं किसी भी गायक के बारे में, उसके अंदाज से, उसके गायकी से। तो जब हम दूसरे गायक महिलाओं को देखते हैं और आपको देखते हैं, तो बड़ा अंतर सा होता है दोनों में, क्योंकि कई महिलाओं के जो हरियाणवी उनके लिरिक्स हम देख सकते हैं कि अलग ही अपने ठेठपन को दिखाते होंगे, पर आपकी लिरिक्स, आपकी गायकी उस ठेठपन में एक सौम्य स्वभाव को दिखाती है। जी इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो बस अपना अपना अंदाज है गाने का, कोई किस अंदाज से गाता है, कोई किस अंदाज से गाता है। कुछ एक कलाकार ऐसे भी हैं हरियाणा में जो चाहे लठ मार मार के उनको गवाओ, लेकिन वो हरियाणवी चाहे हिंदी गाना गवाएंगे लठ मार मार के, तो भी वो उसमें हरियाणवी थोड़ा टच आएगा, वो प्योर हिंदी नहीं गा पाएंगे। तो अपना अपना अंदाज होता है, मैं तो हर लैंग्वेज में गा लेती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, इटालियन, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, सब में गा लेती हूँ। और मतलब लैंग्वेज का कभी ये नहीं रहा कि हरियाणवी ही परफेक्ट होगी आपके लिए या फिर पंजाबी? अच्छा, सारों में ही कंफर्टेबल? सब में कंफर्टेबल हूं। मैं आपको पंजाबी सुनाऊंगी तो पंजाबी में भी आपको ये यूं लगेगा कि ये लड़की पंजाब से ही है। तो सुनना चाहिए पंजाबी अगर आपको कोई भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी याद है मुझे। सुनिए जे तेरे नाल दवा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, हो नियला करे मैं मर जावा, दुनिया तो डर के जे तैनू छड़ जावा, निरब दिसो मैं मर जावा, नियला दिसो मैं मर जावा। शीनम, एक गायक को इनकम कहाँ से मिलती है? जब वो गाना कोई भी गायक प्रोड्यूस करता है, उसको वीडियो में भी पैसा लगाना पड़ता है और भी चीज़ों में पैसा लगाना पड़ता है, और जब वो कंपनी तक गाना देते हैं तो इतनी इनकम उनकी हो नहीं पाती कि वो आगे वाला भी कुछ करें, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से करें। देखिए हरियाणा में तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो हरियाणा में प्रोड्यूसर्स नहीं है। और टचवुड, वैसे मैंने आज तक कभी अपना गाना खुद प्रोड्यूस नहीं किया है, लोगों ने ही प्रोड्यूस किए हैं मेरे सारे गाने। बट हाँ ये कि मैंने सीखने के लिए, जो मैंने म्यूज़िक सीखा है, मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मेरे बहुत से गुरु हैं। चाहे मुझे किसी छोटे बच्चे से इतनी सी भी चीज़ सीखने को मिली तो भी मैं उसके चरण स्पर्श किए हैं और वो मेरा गुरु है। तो मैंने सीखने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने कभी भी अपने गानों पे एक रुपया नहीं लगाया, ये मैं आज अपने दर्शकों को बता रही हूँ। और देखा जाए तो काफ़ी सिंगर लगाते हैं बेचारे जो न्यू कमर्स होते हैं, उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता और कंपनी भी उन पे इतना फेथ नहीं करती, इतना ट्रस्ट नहीं करती भी उन पे। हम मैं मान लीजिए मेरी कंपनी है तो मैं उस नए बच्चे पे पैसे नहीं लगाऊंगी, तो और आगे से उसका खर्चा इतना हो जाता है और कंपनी भी मेरे ख्याल से इतना नहीं दे पाती है, और आगे से नेक्स्ट जो काम करे उसके लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। कोई खास लम्हा जुड़ा हो किसी शूट के दौरान आपके साथ हो, या फिर आपको अच्छा ना लगा हो कोई चीज़?
आपने फिर भी शूट की हो? फिर भी शूट की हो तो वो तो चीज हमें कॉमन रही है मेरी हर शूटिंग में। मुझे कभी भी मेरी किसी भी शूटिंग में मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिला है। मेरा कोई भी गाना देख लीजिएगा, सॉलिड बॉडी, पटोला, कोठे, किसी में भी, मोस्टली हमेशा मुझे कभी कोई मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि सिंगर मोस्टली कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आज शूटिंग है, मॉडल्स की शूटिंग है और मैं नहीं पहुंच पाती, बाई चांस हो जाता है, या पहुंच भी जाती हूँ तो तब तक मॉडल्स भी निकल चुके होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी निकल चुके होते हैं, रह जाती हूँ मैं, ठीक है, और या मेरा को सिंगर, तो उनको तो, लड़कों को तो खैर इतना ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैं हमेशा, आपने कोई भी गाना मेरा देखा हो, मेरे हमेशा गॉगल्स लगे होते हैं, हर गाने में मेरे गॉगल्स लगे होते हैं, चाहे नाइट में भी शूट किया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता आंखों पे, क्या मेकअप क्या दिखाऊं मैं वीडियो में, इसलिए मैं गॉगल्स लगा लेती हूँ और अब वो मेरी पहचान बन गई कि हर गाने में मैं गॉगल्स ही लगाती हूँ। और अब कोई हरियाणवी गाना गुनगुना दीजिए। हरियाणवी मुझे हमेशा पसंदीदा मेरा सॉन्ग रहा है बचपन से लेके आज तक, वो मैं हमारे दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। मेरे पाछे पाछे आवण का हो, मेरे पाछे पाछे आवण का भला कौन समत बल तेरा से, हो या फिर बेईमान जड़े तू इश्क जानने गेरा से, तू दिखे तो चमक चांदने ना ते घोर अंधेरा से, मन की पूछे भाभी तो न सब बाता का बेरा से, हो खूब। शीनम, तो आज शीनम कैथोलिक किस तरीके से हरियाणा की महिला गायिकाओं का स्तर देखती हैं? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा अपनी हरियाणा में जितने भी फीमेल सिंगर्स हैं हमेशा वो अच्छा करें, अपना बेस्ट दें, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जब भी वो गाएं थोड़ा सा अपना देख के संभाल के गाएं, ताकि क्योंकि आज हरियाणा को बॉलीवुड तक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा का बस एक अच्छा लेवल बने, कोई नाम ना खराब हो बस किसी चीज से। बिल्कुल। और जहाँ तक मेल गायकों की बात है और फीमेल्स गायकों की बात है, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य सा है हमारे हरियाणा में कि मेल्स के बारे में भी कम ही बातचीत होंगी पर फीमेल्स के बारे में ज्यादा होती, वो हर कहीं होती, हर इंडस्ट्री का ही काम है। तो क्या एक कलाकार के तौर पे क्या चीजें महसूस करते हैं कि लोग फीमेल्स के बारे में जानना ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसा है, फीमेल्स चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सिंगर हो, चाहे मॉडल्स हो, एक चिंगारी है जो फीमेल है, लड़की एक चिंगारी है, इतनी सी चिंगारी लगी आग भड़क जाती है। तो मैं कहना नहीं, जैसे एक मजाक के वैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ गलत मत समझिएगा, क्योंकि लड़कियों की बात एकदम से बढ़ती है आगे। मान लीजिए कोई नई सिंगर आई है, उसकी बातचीत, उसका जो भी पॉपुलैरिटी, जल्दी हो जाएगी वो पॉपुलर लोगों में, और जबकि लड़के को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और लड़कियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरियाणा में लड़कियों को पेमेंट अच्छी खासी मिल जाती है सॉन्ग्स की, लड़कों को तो क्या आपके मेरा भाईचारे में भिगवा लें के यार तुम्हारा डब्बी नहीं है के गा देना भाई का गाना फ्री में, तो वो चीज हो जाती है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है लड़कों के साथ, तो मैं लड़कों को भी चाहती हूँ कि देखो लड़कों का भी एक अच्छी सपोर्ट मिले लड़कों को। और आपका पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक का एक्सपीरियंस कितना सुखद मानती हैं आप? सुखद तो नहीं, कुछ कुछ सुखद है, कुछ कुछ दुखद भी है। क्योंकि हमेशा कोई भी फील्ड हो, मतलब उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा हर इंसान के साथ, हर बंदे के साथ होता है, और इसमें भी मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें अच्छी रही हैं, काफ़ी बुरी रही हैं, लेकिन कुल मिला के मैं बहुत खुश हूँ अपनी हर चीज़ से, अपने को सिंगर से, को आर्टिस्ट जितने भी रहे हैं हरियाणा में, जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं सबको सलाम करती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक। शीनम, जैसे आपने कई गाने गाए हैं, मेरा डोल कुएं में लटके से, उसकी भी अगर हम शब्दावली देखते हैं तो वो भी थोड़े अभद्र तरीके की हैं, और मारी गाड़ में एक पटोला तो उस पर भी बहुत तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आए, और एक गाना आया था वे रोज की निखरती गंडास हो रही से। हाँ, तो मतलब इस तरीके की जब अभद्र जो शब्दावली होती है या समाज जिस चीज को नकारात्मक भी मानते, युवा उस चीज पे डीजे पे भी नाच रहे होते हैं, उनका युवाओं पे तो ठीक है नाच गाने में तो असर पड़ता है, पर समाज पर एक जब उन गानों को हम बसों में सुनती हैं लड़कियां, या फिर किसी लड़की को टोंट करके वो गाने चलाए जाते हैं, तो समाज के लिए
नकारात्मक प्रभाव होता है, तो आप लोगों को सिर्फ ये होता है कि एक गायक का कर्म धर्म है, वही चीज़ें मान के आप लोग कर देते हैं? देखिए मैम, ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं जिसमें मैंने शब्द चेंज भी करवाए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, रोज की निखरती गंडास हो रही से, बहुत से गाने ऐसे जिसमें मैंने खुद बोला है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, इसे कम कीजिए। क्योंकि और अगर हम इस लेवल पे हैं हरियाणा में, पता है एक नेगेटिव भी ले लेते हैं लोग, ले या अपने आपने भी रानी की लता मंगेशकर समझ रही है, तो इस टाइप का भी अगर हम कुछ करें, किसी को बोलें भी कि नहीं नहीं भाई साहब, सर आप ये थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, तो लोग उसे पॉजिटिव वे से नहीं लेते, उसे नेगेटिव वे से ही लेते हैं कि ले घमंड करण लग रही है, ले इस तरह बढ़िया फलानी ने बुलाओ रह वाह गा देगी, तो वो चीज़ होती है। अगर आज मैं छोड़ दूँ ये गाने गाने, और कोई भी जो और सिंगर भी गा रही हैं इस टाइप के गाने जो आपने कहा, बिल्कुल, तो दूसरी लड़की फटाक से तैयार रहती है। और फिर भी देखिए, एक हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, चाहे कुछ भी हम करें, हम इस टाइप के गाने गा रहे हैं तो हम भजन भी करते हैं, मैं भजन भी गाती हूँ और भजन भी काफ़ी मेरे लोग पसंद करते हैं। तो ये तो देखिए ऐसा है, पुराने जो मूवीज उठा के देख लीजिए, मैं गानों के नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती। कुछ गाने पुराने बड़े बड़े दिग्गज सिंगर है, फीमेल बॉलीवुड के फीमेल सिंगर जो आज पूरे वर्ल्ड में नाम है जिनका, उन्होंने भी ऐसे गाने गाए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तरीके से लें लोग, किसी लड़की पे प्लीज आप लोग इस चीज का गलत कमेंट ना करें। बिल्कुल। और शिन्नू, मैं लास्ट में चाहूंगी कि हरियाणा के बहुत सारे कलाकार आपके सहयोगी और आपके फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक संदेश दें। संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कलाकारों के लिए, यही संदेश है, प्लीज आप लोग एकजुट होकर रहें, आप लोग बस अच्छा करें और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हरियाणा को गिराने की कोशिश ना करें, प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। और हमारे दर्शकों के लिए यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो युवा पीढ़ी चल रही है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो बस अपने करियर पे ध्यान दें। और गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो नारी शक्ति है, जो औरत है, उससे ही ये पूरा जीवन चलता है और उसी से दुनिया कायम है, तो प्लीज़ आप लोग लड़कियों को सपोर्ट करें। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि लड़की किसी से कम नहीं है आज के दिन में। और प्लीज़ देखिए, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी मम्मी मुझे लड़की कम लड़का ज़्यादा समझती है, और मैं खुद को ही मुझे कई बार फील आता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ड्राइव खुद करती हूँ, हमेशा अपने हर काम खुद करना पसंद करती हूँ। और लेकिन बस वही बात है कि मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तब मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और जिस फील्ड में उनकी रुचि हो उन्हें उस फील्ड में आगे बढ़ावा दें। तो ये थी हमारी खास बातचीत हरियाणा की कलाकार शीनम कैथोलिक के साथ है। अगले हफ्ते फिर आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के किसी नए कलाकार से, तब तक देखते रहिए अपनी बोली अपने कल्चर का एक ठिकाना एनडीए हरियाणा। राम राम। राम राम।